फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं गोभी मेथी की सब्जी कैसे बनानी है। बहुत ही टेस्टी आज रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं पीके द ग्रीन शेफ किचन में। आइए देखते हैं कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अपनी गोभी ली है। ये मेरी 750 ग्राम गोभी है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके स्मॉल पीसेस में कट कर लिए। आपको बिग पीस नहीं लेने, छोटे छोटे पीसेस इसकी कट कर लिए। यहाँ पर मैंने फ्रेश मेथी ली है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके कट किया हुआ है। 1 इंच मेरे पास है अपना जिंजर जो ग्रेट किया हुआ है, और 2 ग्रीन चिलीज ली हुई जिसको मैंने फाइनली चॉप्ड करे। तो आज इन चीजों से हम बनाएंगे गोभी मेथी की सब्जी, जो आप पराठों के साथ और चपाती के साथ खा सकते हैं और बहुत ही यमी बनती है। जैसे आपने सुना होगा गोभी आलू होते हैं, गोभी मटर होता है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मेथी की स्वादिष्ट सब्जी। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है अपनी, और हम आज सब्जी बनाएंगे सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में, क्योंकि सूखी सब्जी मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने अपना 2 टेबल स्पून अपना मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल को मेरे को अच्छे से गर्म कर देना है, ठीक है। तेल हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए, अगर तेल हमारा कच्चा है तो उसमें मस्टर्ड की स्मेल आती है, तो हमें बहुत अच्छे से इसको पका लेना है पहले मस्टर्ड ऑयल को। जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अपना जीरा। तो मैं यहाँ पर जीरा लेती हूँ, इसमें हम डालेंगे अपना जीरा। फ्लेम बिल्कुल हाई है अभी, जो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मेथी की स्वादिष्ट सब्जी। ये देखिए पहले मेरा तेल गर्म हो जाए, गरम हो रहा है तेल मेरा। तेल मेरा गरम हो चुका है बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जीरा, जिसको हम बोलते हैं क्यूमिन सीड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जिंजर, जिसको मैंने ग्रेट किया हुआ है। मेरा हो गया 1 इंच जिंजर, और उसके बाद इसमें जाएगा ग्रीन चिली। मैंने डाल दिया ग्रीन चिली। इसको हल्का सा करेंगे हम सॉटे। फ्लेम को मैं करती हूँ थोड़ा सा मीडियम, और इसको मैं डाल दें सॉटे। हल्का सा सॉटे करना है। अगर हम सब्जी मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं तो उसका अलग ही खुशबू आती है, अलग ही फ्रेगनेंस आता है, अलग ही फ्लेवर आता है। जब भी आप कोई सब्जी बनाएं सूखी स्पेशली, उसको बनाइए मस्टर्ड ऑयल। देखिए परफेक्ट ये हो गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर गोभी। मैं इसके अंदर ट्रांसफर कर देती हूँ, स्मॉल पीसेस में मैंने इसको कट किया है। अभी मैं इसके अंदर कोई मसाले नहीं डालूंगी, इसको सिंपल ढक के रखूंगी 10-12 मिनट के लिए, जिससे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, गोभी मेरी गल जाए। यदि हाफ मेरी परफेक्टली रेडी हो जाएगी, फिर हम इसमें डालेंगे मेथी ट्विस्ट के लिए। देखिए अब मैं इसको सिंपल ढक दे रही हूँ, इसको ढक दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम की तरफ, इसको छोड़ देंगे 10-12 मिनट्स के, उसके बाद हम चेक करते हैं। 10 मिनट्स हो गए हैं, आइए देखते हैं कि हमारी जो गोभी है वो हाफ रेडी हो गई है कि नहीं। यस, गोभी तो बहुत अच्छी आ रही है। यस, ये हाफ रेडी फ्राई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ से इसका कवर हटा दिया, और इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे अपनी मेथी। मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके चॉप कर रखी है। मैंने एक गड्डी ली थी मेथी की, 1 बंच, और उसको मैंने साफ कर लिया। मैंने इसके अंदर डाल दिया मेथी। अब हम इसको करेंगे मिक्स। तो इसमें
मेथी का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। तो हम इसको डाल रहे हैं, मस्त लग रही है। सिंपल इसको दोबारा से आपको ढक देना है, कवर कर देना है इसको 5 मिनट्स के लिए। हमने इसको कवर कर देना है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस मसाले। चलिए 5 मिनट्स हो गए हैं, चेक करते हैं अपनी सब्जी को। रेडी हो रही है अभी। आप देखा होगा मैंने इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले, मेरी ये 70% तक रेडी हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपने स्पाइसेस। आपको ध्यान रखना है जब आप ये सब्जी बना रहे हैं तो इसको आप 70% तक रेडी होने दीजिए, उसके बाद इसमें डालेंगे स्पाइसेस। चलिए अब हम स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं डालने जा रही हूँ पर टर्मरिक पाउडर, ये 1/2 टीस्पून मैंने डाला है टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली और सॉल्ट डालेंगे हम एज पर टेस्ट। मैंने मसाले डाल दिए हैं, अब हम इसको करेंगे मिक्स। जैसे सब्जी बनाते हैं सेम वही मसाले हमें यूज करते हैं, इसको मैं मिक्स करती हूँ। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट गोभी मेथी की सब्जी बनके रेडी हो रही है। हेल्दी फूड भी है, मेथी ग्रीन वेजिटेबल सब यूज हो गए इसमें। हमने तो सारे मसाले डाल दिए हैं, अब हम इसको थोड़ा सा 3-4 मिनट्स के लिए और रखेंगे ढक के, जिससे कि हमने जो स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे से हमारी सब्जी में मिक्स हो जाए और बहुत ही बढ़िया इसमें स्वाद। मैं इसको ढक देंगे दोबारा से, लिड से कवर कर दिया है और अब हम इसको 3 मिनट्स के लिए अच्छे से और पकने देते हैं और इतने देर में हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं, 3 मिनट हो गए हैं। वाओ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, परफेक्टली हमारी सब्जी रेडी हो गई है, मस्त। चलिए प्लेट को हम बंद कर देते हैं और इसको हम सर्व करते हैं। गोभी मेथी की सब्जी परफेक्टली हमारी रेडी है। मैं इसको एक कंटेनर में निकाल लेती हूँ बाउल में, पराठों के साथ खाइए, मसालेदार पराठा बनाइए, नमक मिर्च का पराठा बनाइए और चपाती के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए परफेक्टली हमारी गोभी मेथी की सब्जी बनकर तैयार है। मेथी की सब्जी इज रेडी टू सर्व। होप आपको ये रेसिपी पसंद आए, इसको ट्राई करिए, इसको किचन में बनाइए और मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी रेसिपी। बहुत ही यम्मी टेस्टी डिफरेंट रेसिपी है गोभी मेथी की सब्जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब पीके द ग्रीन शेफ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर यम्मी एंड टेम्प्टिंग रेसिपी। सी यू सून अगेन।